नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादातर होम बायर्स गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि किस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, या उनको सेल्फ यूज के लिए चाहिए तो वो किस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी यूनिट बुक करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको 5 बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जो कि लोकेटेड रहेंगे आपके गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर। गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67 तक गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के सेक्टर आते हैं, जो गोल्ड कोस्ट रोड के साथ लगते हुए। तो इन्हीं सेक्टरों के अंदर ऐसे 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको वो 5 बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का पता चल सके और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट या सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है वो अच्छी हो। इन 5 बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की संख्या में अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो पिवोटल पैराडाइज, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 62 के अंदर। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो 2017 के अंदर मिल चुका था, लेकिन अभी तक पोजिशन नहीं हुई। इसकी जो पोजिशन होनी थी वो होनी थी 2021 के अंदर, लेकिन इसके 24 मीटर रोड ना बनने की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो नहीं मिल पा रही है। तो बिल्डर ओसी तो ज़रूर अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो उसको नहीं दी जा रही है। रीज़न ये है कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, 24 मीटर रोड उसने नहीं बनाया और अब तो उसका लाइसेंस भी है वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये इस प्रोजेक्ट की लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है 62 की, लेकिन फ्लैट ही नहीं मिला अभी तक। और जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा, जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रुकी हुई है, तो वो किस तरीके से उसको सेल आउट करेंगे और किस तरीके से उसको रेंट आउट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आता है। नंबर 4 की कैटेगरी में हमारा आता है पिरामिड का मिड टाउन, जो लोकेटेड है सेक्टर 59 के अंदर। ये टाउनशिप टोटल 5 एकड़ की टाउनशिप है और इस टाउनशिप के अंदर सिर्फ 2 BHK की फ्लैट है। और ये प्रोजेक्ट 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसकी जो पोजीशन है एज पर लाइसेंस के अंदर जो डेट है वो डेट 2024 एंड की है। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कनेक्टेड है आपका गोल्ड कोस्ट रोड के साथ भी और एक्सटेंशन नियर बाय में। तो इस प्रोजेक्ट से रैपिड मेट्रो का जो स्टेशन है सेक्टर 56 का, वो नज़दीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें कार पार्किंग के लिए स्पेस बिल्कुल ही कम है। ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से या होम बायर्स ने प्रॉपर्टी ले रखी है उनको पार्किंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये प्रोजेक्ट वैसे भी गांव के नज़दीक लगता है और 2 पार्ट के अंदर है। एक रोड है जो 24 मीटर है, लेकिन वो गाँव तक ही सीमित है। तो इसलिए हमने मिड टाउन को नंबर 4 के ऊपर रखा है। नंबर 3 की बात करते हैं, वर्धमान मंत्रा सेक्टर 67। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये गुड़गांव के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट था अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत। उस टाइम पॉलिसी बनी भी नहीं थी। प्रोजेक्ट का लाइसेंस है ना, वो 2012 के एंड में मिला था, 2013 आप मान सकते हो। तो ये गुड़गांव का सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर आपको 1 BHK 2 BHK भी फ्लैट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये रेडी टू मूव अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये पहला ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको बेसमेंट कार पार्किंग मिलती हो। किसी भी अफोर्डेबल के अंदर आपकी बेसमेंट कार पार्किंग नहीं है आज के टाइम। और ये प्रॉपर्टी रनिंग है, आप चाहे तो इसकी विजिट करके देख लेना। यहाँ आपको मोस्टली जो फैमिलियाँ हैं वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत कम ऐसे फ्लैट मिलेंगे जो वहाँ पर आपको खाली दिखेंगे। इसके अंदर हर प्रकार का स्पेस है, जैसे कि कार पार्किंग है, जॉगिंग ट्रैक है या गार्डन वगैरह है, वो आपको पूरी कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट रहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन कनेक्टिविटी वाइज देखें तो ये बिल्कुल एंड में पड़ता है सेक्टर 67। तो यहाँ पे अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको सेल्फ व्हीकल से या ओला उबर आपको बुक करना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हैं। कई अगर आप वर्किंग है सोना रोड, आप वर्किंग है आपका गोल्ड कोस्ट रोड, साइबर सिटी, जहाँ भी आप वर्किंग है, ओला उबर वगैरह बुक करनी पड़ेगी, आपको अपना सेल्फ व्हीकल है वो यूज करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे, वो है रॉयल ग्रीन सेक्टर 62। ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी कुछ MQ की यूनिट अवेलेबल है। तो यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर, जिसके अंदर यूनिट अवेलेबल है।
और इसके अंदर 3 BHK की MQ की यूनिट है। ये टोटल 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 5 टावर हैं और इसके अंदर टोटल 800 फ्लैट हैं। कुछ यूनिट इसमें 2 BHK है और कुछ यूनिट इसके अंदर 3 BHK की है, लेकिन 3 BHK की MQ यूनिट अवेलेबल है, 2 BHK पूरा सोल्ड आउट है। ये भी एक ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है पूरे गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसके अंदर जो कार पार्किंग है वो पोडियम कार पार्किंग है, मतलब आपकी बेसमेंट टाइप भी है और ओपन टाइप में भी है, ऊपर फिर पूरा गार्डन है। इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है चैनल के अंदर, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेटर है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इन जो 5 अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करें एक्सटेंशन रोड के ऊपर, तो इस प्रोजेक्ट की सबसे प्रीमियम लोकेशन आती है। किसी भी अफोर्डेबल की ऐसी लोकेशन नहीं है जितनी लोकेशन इस प्रोजेक्ट की है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बगल में आपको स्कूल बिल्कुल दीवार लगती है, हेरिटेज स्कूल, और दूसरी साइड दीवार लगती है आपकी इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की। और इसके बगल में अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट है, और यहाँ पे EWS अगर हम फुली फर्निश करके भी अगर रेंट आउट कराते हैं, जैसे कि पाइनर पार्क, ब्रिज एरिया की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो रेंट आउट होता है लमसम 15 से 20 हज़ार रुपये EWS का रेंट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम रेंटल इनकम की बात करें 2 BHK 30+ और 3 BHK की बात करें तो 35-40 तक हमें यहाँ पे रेंट मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इसी के अंदर यूनिट अभी अवेलेबल है। तो नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है सिग्नेचर ग्लोबल का प्राइम सेक्टर 63A। ये प्रोजेक्ट नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ब्रांडेड बिल्डर है, नाम अच्छा खासा है सिग्नेचर ग्लोबल का, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनाता है। ये एक्सटेंशन रोड से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। आज इस प्रोजेक्ट की आपको लोकेशन थोड़ी वीक लगेगी, रीजन क्या है कि ये एक्सटेंशन रोड से काफी अंदर है। इस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, उस रोड को हम CRPF कैंप रोड बोलते हैं, और यही जो रोड है ये डायरेक्ट आपको सोना कनेक्ट करेगा। हो सकता है फ्यूचर के अंदर मेट्रो का प्रपोज प्लान क्या पता इसी से हो सकता है, क्योंकि ये जो रोड है ये डायरेक्ट सोना को कनेक्ट होता है, और ये रोड सोना के बिल्कुल बीचों बीच होता हुआ आपको IMT में हिट करता है। सेंट्रल पार्क से होता हुआ ये रोड आगे आप IMT के अंदर जाके कनेक्ट होता है, क्योंकि इसी रोड के ऊपर पूरा एजुकेशन हब आता है सेक्टर 3 का, क्योंकि वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिस और भी पब्लिक यूज के लिए, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, कोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आनी है, बेनिफिट है वो आपको आगे जाके काफी अच्छा मिलने वाला है, इसलिए ये हमने नंबर 1 के ऊपर रखा है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अभी कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है। जो प्रोजेक्ट है ये 1 से 1.5 साल के अंदर आपको डिलीवर्ड भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बेस्ट 5 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट गोल कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। हमसे काफी कस्टमर पेड कंसल्टेंसी के अंदर जो सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो होता है EDC IDC का। अब भी लोगों को EDC IDC का पता जरूर है, लेकिन वो किस हिसाब से चार्ज की जाती है उसका अभी लोगों को नहीं पता है। उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे हम EDC IDC के ऊपर कि एक ही सेक्टर के अंदर सेम EDC IDC का जो चार्ज है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं सेम लोकेशन के अंदर डिफरेंट आपको EDC IDC आपसे चार्ज की जाती है, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो हम पार्ट में रखेंगे ताकि उनका हम पूरी तरीके से कैलकुलेशन कर सकें और EDC IDC किस बिहाफ पे चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए कि बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रोड पे कौन कौन से हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम सर्च करके आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तो तब तक आप ऐसे ही खेलते रहिए और एंजॉय के साथ कमाते रहिए। धन्यवाद।